Hello everyone. Let's see how a tree data structure can be represented in computer memory, right? So there are two ways. First one is array representation, another one is linked representation, right? So in this video we are going to discuss about the array representation, right? तो ये मेरा ट्री है. इस ट्री को अगर मैं एरे के अंदर रिप्रेजेंट करूँ तो लिसन, सिंपल, वेरी इजी टॉपिक एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, राइट. अगर आपको एरे रिप्रेजेंटेशन अगर कर लेंगे तो आप प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस बाइनरी को, ट्री को. तो सिंपल देखिएगा, अगर ये ट्री को रिप्रेजेंट करना तो इसमें रूट नोड ए है. तो इसका बेसिक लॉजिक क्या है, एरे को एरे में रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स को लीजिएगा, एक नोड को लीजिएगा, नोड फॉलोड बाय देयर चिल्ड्रन, नोड फॉलोड बाय देयर चिल्ड्रन, ए हम लिख दे रहे हैं यहां पे, ए फॉलोड बाय एज चिल्ड्रन, राइट. तो ए फॉलोड बाय ए चिल्ड्रन कौन कौन है, बी एंड सी. तो हमने लिख दिया बी एंड सी, राइट. ओके, अब ए का कंप्लीट हो गया, नाउ कम टू द बी. रुकिए मैं ऊपर इंडेक्स लिखूंगा. ए का कंप्लीट हो गया, नाउ कम टू बी. बी फॉलोड बाय बी चिल्ड्रन, बी फॉलोड बाय बी चिल्ड्रन. तो बी का चिल्ड्रन कौन कौन है, डी ई. तो यहां पे आप लिख दीजिएगा डी और ई, राइट. नाउ अब बी ओवर हो गया, नाउ कम टू द सी. सी का चिल्ड्रन कौन है, सी फॉलोड बाय सी चिल्ड्रन, एफ जी. तो सी का चिल्ड्रन कौन कौन हो गए, एफ एंड जी. बस ओके, नाउ लिसन केयरफुली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू टेल यू. इस ट्री का सबसे लास्ट नोड कौन है, देखिएगा. अभी हम बाइनरी सर्च ट्री की बात नहीं कर रहे हैं. अगर आप पहले से जानते हैं बाइनरी सर्च ट्री तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री. अभी हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं. तो अगर ये बाइनरी ट्री है तो इसकी हम नंबरिंग बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे लेवल ऑर्डरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. अभी मैं नंबर रखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ऐसे में बस ये बताना चाहता हूँ इस ट्री का सबसे लास्ट नोड कौन है. तो वन, दिस ए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. सबसे लास्ट नोड है मेरा जी, राइट. ये सबसे लास्ट नोड है जी, ओके. तो जब भी एरे रिप्रेजेंटेशन के अंदर, एरे के अंदर जैसे ही लास्ट नोड आपको दिखना शुरू हो जाए तुरंत वहीं पर स्टॉप हो जाइएगा, राइट. ये कई जगह मिस्टेक हो जाता है बच्चों से कि आप आगे मत जाइएगा, जैसे इस ट्री का लास्ट नोड दिख गया स्टॉप हो जाइएगा, राइट. ओके, तो इसको बोलते हैं एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस बाइनरी ट्री, ओके. सपोज करिए, एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्योंकि मैं एक प्रैक्टिस करा दूँ. ए हो गया, सपोज करिए यहाँ पे बी होता, राइट, और यहाँ पे मेरे पास ये सी हो जाता. अब इसकी एक मैं ऐसे ले लेता हूँ ना, ये आगे एक्सप्लेन करने में हेल्प भी मिलेगा मुझे. ए बी सी ले लिया, राइट. इसको अगर हम इसको एरे के अंदर रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा. ए फॉलोड बाई ए चिल्ड्रेन, ए का चिल्ड्रन कौन है, लेफ्ट चाइल्ड कौन है, नल, तो हमने इसको डैश कर दिया. और इसका राइट चाइल्ड बी है तो हमने बी कर दिया, ध्यान दीजिएगा. फिर ये वाला ओवर हो गया. अब इस डैश पे आइएगा, इस डैश, जो डैश मीन्स नो चिल्ड्रन, इस डैश का भी आप दो डैश डैश लिखेंगे. इसका भी लेफ्ट चाइल्ड डैश डैश फॉलोड बाई डैश चिल्ड्रेन, तो डैश का डैश डैश. नाउ कम टू द बी, बी का कौन कौन चिल्ड्रेन है, डैश और सी, डैश और सी. और जैसे मेरा सी लास्ट नोड आ गया तुरंत स्टॉप हो जाएगा. अब इसमें गलती क्या होती है, मिस्टेक क्या करते हैं, इसको भी डैश को भी डैश 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 करते हैं, इसका भी लेकर फिर डैश डैश करते हैं, इसका भी सी का डैश डैश, वो गलत हो जाता है, राइट. ध्यान दीजिएगा, जैसे ही लास्ट नोड आ जाए तुरंत वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, राइट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एरे लेंथ, व्हाट इज द एरे साइज टू स्टोर दिस बाइनरी ट्री. तो इस ट्री को स्टोर करने के लिए एरे साइज कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो एरे साइज इज 7, राइट. अगर आपने और बढ़ा दिया होता तो आंसर गलत हो जाएगा, रिमेंबर दिस थिंग्स. तो मैं इसको मिटा दूं, ये वाले लाइन बस यहीं तक मैं ले जाता हूं, जी तक, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब हम इसमें आते हैं.
इसका इंडेक्सिंग शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। नाउ लिसन, वेरी इंटरेस्टिंग, अब देखिएगा ध्यान से। हाँ, अब ये तो एरे रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब क्वेश्चन आते हैं सिंपल, कुछ ऑब्जर्वेशन क्या है इसके। अगर एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम वन, सॉरी यहाँ पे हम एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम वन करते हैं, फिर हम जीरो आगे वाले स्लाइड में है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब क्वेश्चन आपके माइंड से हो सकता है, सर आप वन से क्यों शुरू कर रहे हैं, वन से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एरे तो जीरो से स्टार्ट होता है। यस, लिसन केयरफुली, ये सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स, और डेटा स्ट्रक्चर इज ए प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। तो प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट मतलब आप किसी भी प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि वो एरे किस इंडेक्स से शुरू हुआ है। वो जरूरी नहीं है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आप डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं, जावा से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम एज्यूम करके चल रहे हैं, अगर एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स वन है तब क्या फॉर्मूला लगेगा, और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं अगर जीरो इंडेक्स है तो क्या फॉर्मूला लगेगा। और ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करता है आपको किसी पर्टिकुलर चिल्ड्रन को एक्सेस करने के लिए या किसी पेरेंट को एक्सेस करने के लिए। अभी देखिए कैसे, सपोज करिए पेरेंट इंडेक्स एट लोकेशन आई, अगर इसका लोकेशन आई है, ए का लोकेशन आई मीन्स वन है, यहाँ पे वन है, तो इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कॉन्स्टेंट टाइम में। कैसे, लेफ्ट चाइल्ड का लोकेशन डेफिनेटली 2 into i पे होगा, अगर ये i की वैल्यू 1 है तो डेफिनेटली वो लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे होगा, 2i पे होगा, और राइट चाइल्ड कहाँ पे होगा, 2i+1 पे होगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर ये फर्स्ट इंडेक्स पे है तो लेफ्ट चाइल्ड 2 into 1 दैट इज 2, एंड 2i+1 दैट इज 2i+1 दैट इज 3। तो देखिएगा अगर इसे देखा जाए तो ए का लेफ्ट चाइल्ड में b एक्सेस हो गया और ए का राइट चाइल्ड c एक्सेस हो गया, तो डायरेक्टली एक्सेस हो गया। दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू टू एक्सेस द पर्टिकुलर लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड ऑफ ए पर्टिकुलर नोड, रिमेंबर दिस पॉइंट। और ये आपको प्रोग्रामिंग में भी बहुत हेल्प करेगा, राइट, किसी अगर नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड एक्सेस करना है तो, राइट। हम इसका प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे आगे, बाइनरी ट्री का एक प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे और बाइनरी सर्च ट्री का भी प्रोग्राम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में। और यस, अभी बहुत सारे कंटेंट बचे हुए हैं इसमें, अभी हम लोग आगे प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे हाइट कैसे निकालते हैं, और इन द टर्म ऑफ कोडिंग लेफ्ट चाइल्ड कैसे निकालते हैं, राइट चाइल्ड कैसे, देर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्राम। आई थिंक 50 प्रोग्राम्स आर देयर इन रिलेटेड टू बाइनरी सर्च ट्री एंड बाइनरी ट्री, राइट। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, और अगर आप रियली अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कमिंग वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि इसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अभी अपलोड करने हैं, क्योंकि अभी हम केवल सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट कवर कर रहे हैं, बट आगे की वीडियोज में जैसे टाइम मिलेगा तुरंत हम इससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट, हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग और रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स, राइट। अभी बाइनरी ट्री में अभी हम लोग ट्रेवर्सल केवल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर बस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, बट आगे की वीडियोज में हम और भी डिस्कस करेंगे कि केवल इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ही नहीं होता है, और भी बहुत सारे ऑर्डर होते हैं। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर लॉजिक दे दें आपको, उस लॉजिक के थ्रू कैसी ट्रेवर्सिंग हो रही है, तो वो कैसे ट्रेवर्सिंग हो रही है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ही हम केवल डिस्कस कर पा रहे हैं, राइट, ओके। वन मोर थिंग, अब आपको कोई पेरेंट का लोकेशन मिल गया तो आप चिल्ड्रन का लोकेशन और राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड पता कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी एक चाइल्ड का लोकेशन मिल गया तो आप उसका पेरेंट पता कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप कोई भी एक चाइल्ड लीजिए, कोई भी चाइल्ड ले लीजिए, सपोज करिए चाइल्ड एफ ले लिया, तो एफ का अगर पेरेंट आपको पता करना हो, बताइए, तो 6 इसका लोकेशन 6 पे, तो आप करिएगा 6 / 2 दैट इज 3। तो 3 सीधे आप रेंडम एक्सेस कर सकते हैं, आप सीधे 3 पे जाइए और उसका पेरेंट कौन मिल गया, सी, डेफिनेटली आप देखिएगा एफ का पेरेंट सी हो गया। तो इस एरे के थ्रू आप सीधे एक्सेस कर सकते हैं, राइट, ओके। सपोज करिए अगर 7 का, अगर मुझे 7 सर्च करना होता, ये जी का पेरेंट कौन है, तो जी 7th पोजीशन पे है, 7th / 2 और इसका फ्लोर वैल्यू लेते हैं, राइट,
और यू नो फ्लोर वैल्यू 7 डिवाइड बाई 2 मीन्स 3.5, और इसका अगर मैं फ्लोर वैल्यू लेते हैं तो फ्लोर का मतलब 3 हो जाता है, राइट। तो फ्लोर मीन्स पता है आपको, फ्लोर मीन्स फ्लोर और एक सील वैल्यू होती है, CEIL, राइट। तो सील मीन्स एक्चुअली कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग सील और फ्लोर में। सील का मतलब बेटा होता है, सील मीन्स ऊपर। आपने अगर मैं पूछूं आपको 3.5 का सील वैल्यू क्या होगी, तो 3.5 का सील वैल्यू 4 होती है और 3.5 की फ्लोर वैल्यू होती है 3 होती है, राइट। यू नो सील मीन्स आप सीलिंग फैन याद रखिएगा, सीलिंग फैन, और सीलिंग फैन हमेशा ऊपर लगता है। ऊपर का मतलब 3.5 के ऊपर कौन है, 4 है। यस, क्लोजेस्ट इंटीजर नंबर दैट इज 3, 4, राइट। और इसका क्या है, क्लोजेस्ट अपर इंटीजर नंबर दैट इज 4, एंड क्लोजेस्ट लोअर इंटीजर नंबर दैट इज 3। इसको बोलते हैं फ्लोर वैल्यू। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, फ्लोर हमेशा नीचे होता है, राइट, और सील हमेशा ऊपर रहता है, तो सील मीन्स ऊपर। ओके, तो ये फ्लोर वैल्यू निकाल लिया। तो हमारी किसी पर्टिकुलर चाइल्ड का लोकेशन दिया हो तो आप पैरेंट रोड भी पता कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 होता तो सपोज कर यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता, अगर सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे 2i+1 हो जाता, राइट, 2i+1 हो जाता और यहाँ पे 2i+2 हो जाता, अगर स्टार्ट फ्रॉम 0 है तो। अब वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे लेफ्ट दिस पैरेंट नोड का इंडेक्स 0 है तो 2i+1 दैट इज 2 × 0+1 दैट इज 1 पे चला जाएगा, और 2 × 0+2 इज 2 पे चला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जब इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 है तो, राइट। और सिमिलरली अगर लोकेशन किसी चाइल्ड का लोकेशन आई पे है और इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 हो रहा है, तब उसको i-1/2 हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, i-1/2, और ये फ्लोर वैल्यू हो जाएगी। आप चेक कर लीजिए, सपोज करिए यहाँ पे ये 6 पोजिशन पे ना, ये 5th पोजिशन पे, f की वैल्यू किस पोजिशन पे, 5th पे है। तो 5-1/2 दैट इज 5-1, 4, 4 / 2 मीन्स 2। सीधे 2 पे जाइए, एक्सेस करिए, 2 पे कौन है, सी मिल गया। यस, एफ का पेरेंट सी है, राइट, ओके। उसी तरह अगर सपोज करिए 6 होता तो 6 यहाँ आई में 6-1 / 2 मीन्स 5/2, 5/2 मीन्स 2.5, और फ्लोर वैल्यू ऑफ 2.5 मतलब 2। तो इट मीन्स 2 पे डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा जब इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 होता तो, राइट। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, अगर स्टार्ट फ्रॉम 0 है तो 2i+1 हो जाएगा, और 2i+2 राइट चाइल्ड के लिए, और अगर किसी चाइल्ड का लोकेशन दिया हुआ तो पेरेंट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, राइट, ओके, राइट। तो दिस इज अबाउट द एरे रिप्रेजेंटेशन। एडवांटेज क्या, दिस रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डेफिनेटली अगर आप एरे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इजी रिप्रेजेंटेशन होता है एज कंपेयर टू द लिंक रिप्रेजेंटेशन, राइट। डायनामिक रिप्रेजेंटेशन के कंपैरिजन करूं तो ये थोड़ा इजी होता है, राइट, ओके। दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू कंप्लीट द फुल बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन। रिमेंबर वन थिंग, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री क्या होती है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो केवल कंप्लीट और फुल बाइनरी ट्री के लिए बेस्ट होती है। रीजन क्या है इसका, अभी फुल बाइनरी ट्री में सभी देखेंगे कि सारे लीफ नोड एक सेम लेवल पे होते हैं, तो इस तरह के ट्री को अगर मैं एरे के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो डेफिनेटली वो एरे की जो साइज होगी वो ऑप्टिमाइज्ड होगी, राइट। और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी के केस में भी हमारी एरे की जो साइज होगी ऑप्टिमाइज्ड होगी। बट कोई एस्क्यूड ट्री ले लीजिए, अभी चलिए एक एग्जांपल हमने लिया था, ये देखिएगा एस्क्यूड, इसको बोलते हैं लेफ्ट इस राइट एस्क्यूड ट्री, राइट एस्क्यूड, राइट एस्क्यूड ट्री। और अगर ये मेरा ऐसे होता तो इसको बोलते लेफ्ट एस्क्यूड ट्री, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में स्क्यू होता जा रहा है। तो अगर मेरे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री के अलावा इस तरह की कोई ट्री आ गई, तो देखिएगा इस 3 नोड को स्टोर करने के लिए मेरी एरे की साइज हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एरे की साइज हो गई।
जो कि 3 नोड को स्टोर करने के लिए 7 एरे की साइज हो गई। तो इसीलिए बोली जा रही है यहाँ पे दिस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर कंप्लीट एंड फुल बाइनरी ट्री, अदर देन दैट इज नॉट यूजफुल, दैट इज नॉट गुड रिप्रेजेंटेशन, राइट। हाँ, प्रोग्रामिंग इजी जी, डेफिनेटली जब एरे से रिप्रेजेंट हो रहा है तो प्रोग्रामिंग इजी होगा एज कम्पेयर टू द लिंक लिस्ट, राइट। ओके, इट इज वेरी इजी टू मूव फ्रॉम चाइल्ड टू इट्स पैरेंट एंड वाइस वर्सा। यस, फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था, अगर ith लोकेशन पे तो 2i एंड 2i+1 से हम सीधे चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर पैरेंट है पैरेंट, और अगर मैं किसी लोकेशन पे हूँ चाइल्ड के लोकेशन पे हूँ, तो पैरेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं वेरी इजली यूजिंग द फॉर्मूला। अनदर एडवांटेज क्या, अगर कोई सपोज करे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सपोर्ट नहीं करता है, लिंक्ड लिस्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सपोर्ट नहीं करता है, उस टाइम पे ये हेल्प करेगा एरे रिप्रेजेंटेशन। जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, स्पार्क है, राइट, तो इस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एरे रिप्रेजेंटेशन ही कर सकते हैं इस ट्री का। तो दीज आर द एडवांटेजेस, एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, लॉट्स ऑफ मेमोरी आर वेस्टेज डेफिनेटली। अगर हम देखें इस तरह के ट्री है मेरे पास आ गई होती, बाय द वे मान लीजिए, तो इस ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉट्स ऑफ मेमोरी इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द नोड नीड्स लॉट्स ऑफ डेटा मूवमेंट डेफिनेटली। अगर अच्छा आपको पता है कि एरे के अंदर कभी हम इंसर्शन या डिलीशन करते हैं तो उस टाइम पे डेटा मूवमेंट जाते होता है, राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट। सपोज करिए एक एरे है, इस एरे से हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो डिलीट करने के बाद क्या होगा, ये सारे इधर शिफ्ट होंगे ना, और जब ये शिफ्ट होंगे तो इस टाइम पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, राइट। तो दैट्स इट, डेटा मूवमेंट लीड्स लॉट्स ऑफ डेटा मूवमेंट्स आर देयर, राइट। एग्जीक्यूशन टाइम हाई हो जाता है डेफिनेटली, जब इस तरह के मूवमेंट्स हो जाएंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम हाई होगा। और दिस इज नॉट सूटेड फॉर द ट्री अदर देन फुल बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये तो आपको पता ही है, इसमें अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन, राइट। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री एंड विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, राइट। बाकी और भी कंटेंट्स है, दिस इज सफिशियंट कंटेंट्स फॉर दिस एरे रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन और डायनामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, ओके, राइट। वन मोर थिंग, ये यू नो रिप्रेजेंटेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इस ट्री को ना कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर हम कर लिए होते मेन मेमोरी के अंदर, हम लोग डायरेक्टली स्टोर कर ही नहीं सकते। या तो इसको हम रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं, रो मेजर ऑर्डर के लिए या तो रो मेजर ऑर्डर में स्टोर कर सकते हैं, या तो हम डायनामिकली लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर रो मेजर ऑर्डर में स्टोर करने जा रहे हैं, इसका मतलब हम एरे रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, और अब मुझे अगर दूसरा बचा क्या, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए हम डायनामिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे आगे, राइट। और आपको ये भी पता है कि ये एरे और लिंक लिस्ट जो है वो फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर है, राइट है, और इन्हीं फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम इन लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते लिंक लिस्ट, इस ट्री और ग्राफ को, डेटा स्ट्रक्चर को, राइट, इवन स्टैक एंड क्यू को भी। स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब हमारे लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एरे और लिंक लिस्ट का हेल्प लेना पड़ता है। इसीलिए आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं एरे रिप्रेजेंट, स्टैक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, राइट, क्यू यूजिंग एरे, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, ट्री यूजिंग एरे, ट्री यूजिंग लिंक लिस्ट, ग्राफ यूजिंग एरे, ग्राफ यूजिंग लिंक लिस्ट। तो ये यूज कर रहे हैं वो हम फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, किसके लिए, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करते हैं लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो ओके, इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।